खुश आमदीद नाज़रीन TV 31 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बतारीख 26 अप्रैल बरोज़े जुमे को अलबेक फूड जोन का शानदार और बड़े पैमाने पर इफ्तिताह अमल में आया। ये इनाग्रेशन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चार मीनार MLA मीर ज़ुल्फ़िकार अली के बदस्ते मुबारक अमल में लाया गया। इस मौके पर MLA के हमरा पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी, दीगर कॉरपोरेटर्स और AIMM के एक्टिव मेंबर्स के अलावा अवाम की कसीर तदाद मौजूद थी। अलबेक द टेस्ट ऑफ मिडिल ईस्ट, यानी आप यहाँ खाने के बाद आप अपने आप को सऊदी जैसा माहौल महसूस करेंगे। तमाम सऊदी जायका आपको यहाँ पर दस्तियाब रहेगा। बिल्कुल वाजबी रेट्स रखे गए हैं, बिल्कुल साफ़ और हाइजीन के साथ फूड प्रोवाइड किया जाएगा। आप एक मरतबा ज़रूर विज़िट करें और यहाँ के लजीज व जायकेदार फूड से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाए। इस मौके पर अलबेक के प्रोपराइटर्स सैयद अब्दुलमतीन, मोहम्मद शकील, सोहेल हसन, इन तमाम ज़िम्मेदारान की जानिब से तमाम मेहमान खसूसी का वालेहाना इस्तकबाल करते हुए शालपोशी और गुलपोशी की गई और तमाम मेहमानों का शिरकत के लिए शुक्रिया अदा किया गया। तमाम दोस्त अहबाब और मेहमानों ने अलबेक के ज़िम्मेदारान को इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अलबेक हमारा पता है, हिम्मतपुरा सर्कल नियर चौमोहल्ला पैलेस, शालीबंडा रोड, चार मीनार, हैदराबाद। आइए देखते हैं इस इफ्तिताही तकरीब के चंद मनाजिर। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बस थोड़ा डालो खाली। ये क्या चीज बना रहे हैं आप? ये फ्रूट नाइन कट नौ पीस फ्रूट। ये किसमें रखते हैं आप? फिर इससे बात करना। कितना टाइम लगता है इसको? 12 मिनट में। 10 से 12 मिनट लगेंगे। इसके बाद डायरेक्ट सर्व कर देते हैं। हमेशा इसी तरीके से फ्रेश ऐसे होता है। रीफ्राई करना ऐसा कुछ नहीं है। जब का जब बना के आप जब का जब इसको क्या बोलते हैं, रोस्ट, चिकन रोस्ट, रोस्ट अलबेक का स्पेशल है। अच्छा अच्छा कंपनी, अच्छा वो चीज़ से अलग है। ये क्या, कौन सा बर्गर है? चीज़ बर्गर। इसका सलाद वगैरह सब जब का जब काटते हैं आप या पूरा फ्रेश होता है एकदम? अल्लाह
अस्सलामुअलैकुम, मैं हसन मोहम्मद खुलेदी अलबेग का एक वन ऑफ द मैनेजिंग पार्टनर हूँ। हम चार कैसे एक ग्रुप बना के अलबेग स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह चाली बंडा हिम्मतपुरा सर्कल के चौरस्ते पे ये अलबेग है। सो आपको द टेस्ट ऑफ मिडिल ईस्ट फॉरवर्ड पे आ जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप है सो सऊदी अरब में महसूस करेंगे आप यहाँ खाने के बाद। और यहाँ के माशाल्लाह चेफ्स वगैरह पूरे है सो सऊदी का टेस्ट किया जाएगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्राइसेस वगैरह बहुत ही रिजनेबल रखा गया है पब्लिक के सेवा के लिए। इनिशियल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तरीके से हम लोग ऐसे इसको मैनेज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और शकील भाई हमारे, शब्बीर भाई और मतीन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह चारों मिलके बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। ये आप लोगों की तमाम से गुजारिश है कि जरूर आए और इसका टेस्ट एक बार टेस्ट करें। इंशाल्लाह जरूर आपको पसंद आएगा। वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इन द हैदराबाद आपको मिलेगा। जैसा आप सऊदी में खाए हैं इसी तरीके का आपको यहाँ पे मिलेगा इंशाल्लाह। ये अलबेग के नाम से जो है कहीं जो है डुप्लीकेट आउटलेट फ्रेंचाइज है, क्या ये ओरिजिनल मिडिल ईस्ट का है? जी हाँ, ये ओरिजिनल मिडिल ईस्ट का अलबेग है। और यहाँ पे जो भी है सो फेक अलबेग्स खोल चुके हैं उनको हम इंशाल्लाह है सो आज के बाद से नोटिस इश्यू कराएंगे। इधर लोग अपना नाम चेंज करें या हमारे साथ है सो इसमें है सो जम हो जाए। स्पाइसेस वगैरह कहाँ से आते हैं आपको? जी अलबेग के पूरे स्पाइसेस है सो बाहर से आते हैं और पूरे है सो अलबेग कैसे बनाता है। यूपी के अंदर हमारा एक बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पे पूरा ऐसो स्पाइसेस और ऐसे पूरे हर वो चीज मिक्स होकर यहाँ पे आती है। उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम दो यूनिट फ्रेंचाइजी सेल कर चुके हैं। एक महबूब नगर में आ रही है हमारी और एक है सो अत्तापुर पे आ रही है और दो की बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि हैदराबाद के अंदर अराउंड 20 अलबेग्स आना चाहिए इंशाल्लाह। बहुत जल्द ये काम पे हम वर्क करेंगे। ये हमारी मास्टर फ्रेंचाइजी है और इस यहाँ पे शाली बंडे पे हमारी मास्टर फ्रेंचाइजी पहली मास्टर फ्रेंचाइजी अलबेग की खुली है। और हमेशा श्योर है मिनिमम अमाउंट में मैक्सिमम क्वांटिटी। जी वो इसके बारे में आप हैदराबाद में अब जो फ्रेंचाइज ओपन करें यहाँ के प्राइसेस कैसे रहेंगे? माशाल्लाह है सो यहाँ के प्राइसेस वन ऑफ द बेस्ट प्राइसेस रहेंगे क्योंकि प्राइस आपको कम मिलेगा लेकिन क्वांटिटी अच्छी मिलेगी। आप एक बार टेस्ट करिए जरूर, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा।